बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 14.2 कैलकुलस की, और कल हमने इसके तीन सवाल किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 7। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसके 4 पार्ट्स हैं और हम करेंगे 2, और 11 वाला है हमारे पास एवेल्यूएट इंटीग्रल सी एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई अलॉन्ग द कर्व सी फ्रॉम अलॉन्ग सी फ्रॉम 0, 0 to 1/3। और इसका ये वो कह रहे हैं, इस तरह सूरत हाल है कि ये हमारे पास डायग्राम दी गई है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अगर मैं ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, इधर भी ये 1, ये 2, ये 3, तो एक तो ये पॉइंट आ गया 0, 0, और दूसरा है 1, 3 ये वाला पॉइंट, और ऐसे स्ट्रेट लाइन दी गई है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस कर्व की, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करेंगे। टू पॉइंट्स है, टू पॉइंट्स वाला फार्मूला लगाना है वो लगा लें, स्लोप वाला लगाना है स्लोप लगा लें, नहीं तो मैं इसको वो कह देता हूँ, इसको ए कह देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए इस वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसको ले लेते हैं एक्स वन वाई वन, इसको ले लेते हैं एक्स टू वाई टू, तो हमारे पास आएगा वाई माइनस ज़ीरो 3 - 0, एक्स माइनस 0, 1 - 0। तो ये क्या आ गया, वाई ओवर 3 एक्स ओवर 1, तो वाई क्या आया 3x। इस लाइन की क्वेश्चन आ गई, हम लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू टी, तो फिर वाई क्या आएगा 3t आ जाएगा, डी एक्स क्या आएगा डी टी, और डी वाई क्या आएगा 3dt। अब हम आते हैं सो इंटीग्रल सी एक्स वाई डी एक्स एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखें ये है एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक, एक्स वेरी एक्स 0 है तो टी 0 है, एक्स 1 है तो टी 1 है, एंड हमारे पास आएगा 0 is less than equal to t, टी इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 0 to 1। एक्स की जगह पे मैं टी लिखूँगा, वाई की जगह पे 3t, और डी एक्स की जगह पे डी टी आएगा, प्लस एक्स है टी, वाई है 3t, और डी वाई की जगह पे क्या आएगा 3dt। इसे लिखेंगे 0 to 1 3t² प्लस ये क्या आएगा 3t और t 40 ये हो जाएगा 12t dt। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 3t³ / 3 प्लस आ जाएगा हमारे पास 12t² / 2 और इधर आ जाएगा 0 to 1। ये कट के क्या आएगा t³ प्लस 60² 0 to 1। जब ये 1 पुट करेंगे तो 1 रहेगा, वो 6 रहेगा, 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 7। इसी का है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में ये बुक में तो है पार्ट नंबर 4, ये हमने किया है 11 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 में बुक वाला यूं कह रहा है, ये ऐसे अलॉन्ग द कर्व इस तरह है, और इसकी इक्वेशन भी दी गई है, वाई इज इक्वल टू गालबन 3x² होना चाहिए, बाकी देखते हैं, वाई इज इक्वल टू 3x² इट इज कह लें कि ये पैराबोला का कुछ उसने पोर्शन हमें दे दिया, पहले स्ट्रेट लाइन थी, अब क्या है वाई इज इक्वल टू 3x²
तो जब y इज इक्वल टू 3x² है, तो इफ x इज इक्वल टू t, देन y क्या आएगा? 3t² और dx आएगा dt और dy आएगा 6t dt, डेरिवेटिव लेंगे dt। और उसी तरह दोबारा इसको देखें, x वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक, एंड 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू t लेस दैन 1। अब हमारे पास आ जाएगा सो इंटेग्रल cxy dx + x + y dy, दिस इज इक्वल टू 0 to 1। क्या आएगा? 0 to 1, और x की जगह पे क्या आएगा? t। y की जगह पे आएगा 3t² dx कितना है? dt प्लस x है t, y है 3t² और dy कितना है? 6t dt। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3t³ प्लस 6t² हो जाएगा प्लस 18t³, और ये क्या आ गया? dt। 18 और 3 मिलके क्या हो जाएगा? 21t³ प्लस 6t² dt। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर में 1 ऐड करेंगे 4/4, और इसे करेंगे तो 6t³/3 0 to 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 21/4t² और ये कट के क्या होगा? प्लस 2t³ 0 to 1। और जब 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 4 आपको पता है 1, तो यही आएगा, उधर क्या आएगा? 2। और जब माइनस लेना है तो वो सारा माइनस, 4 2 8, 8 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 29/4। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर है 13 और 14, ये देखते हैं। और 13 पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, एवेल्यूएट। क्या है 13? एवेल्यूएट ये इंटेग्रल cxg dx y + z dy + x dz। इफ c इज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू et, y इज इक्वल टू e^-t, एंड z इज इक्वल टू e^2t, साथ उसने दिया है 0 इज़ लेस दैन t, तो लिमिट शिमिट उसने हमें खुद ही दे दी है। तो लिहाजा हमने सिर्फ एक चीज़ चेक करना है, ये x है तो dx क्या आएगा? यही रहेगा, और इसके साथ क्या आएगा? dt। ये है y, dy क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव साथ dt, और dz क्या आएगा? 2e^2t साथ क्या आएगा? dt। इसमें पुट करेंगे सो इंटेग्रल cxg dx y + z dy + x dz, दिस इज इक्वल टू 0 to 1। क्या आएगा? 0 to 1। वेयर इज x? e^t। z किधर है? e^2t। साथ क्या है? dx। dx क्या है? e^t dt प्लस y + z। y है e^-t, z है e^2t, साथ है dy है -e^-t dt प्लस क्या आ रहा है? x। x क्या है? e^t, और x के साथ क्या है? dz। dz क्या है? 2t, 2e^2t dt। दिस इज इक्वल टू 0 to 1। ये बन जाएगा e^4t माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे e^-2t। जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2t है वो -t है e^t, ये क्या आएगा? 2
ई की पावर 3t और dt मैंने सबका क्या लिया काम। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए दिस इज इक्वल टू ई की पावर 4t ओवर 4, ये आएगा माइनस ई की पावर माइनस 2t ओवर माइनस 2, ये क्या आएगा माइनस ई की टी ये लेगा, और ये आएगा प्लस 2 ई की पावर 3t ओवर 3, और ये आएगा 0 से लेके 1 तक। इसे यूँ लिखेंगे ई की पावर 4t ओवर 4 प्लस हो जाएगा ई की माइनस 2t ओवर माइनस 2 प्लस 2/3, नहीं ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होना था ना, ई की 3t और माइनस ई की माइनस 3। अब जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक बार तो पुट करना है 1, तो ये आएगा ई की पावर 4 ओवर 4t 1 है प्लस ई की पावर माइनस 2 ओवर 2 प्लस 2 ई की पावर 3 ओवर 3 माइनस ई की पावर 1, लिखना 1 तो वो भी लिख लें माइनस, जब 0 लेंगे ई की पावर 0 क्या होगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1। इसको जब देखें तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें ई की 4 ओवर 4 प्लस 2 ई की 3 ओवर 3 माइनस ई प्लस ई की माइनस 2 ओवर 2, पहले ज़रा इसको हल कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, कैल्शियम आएगा 12, यहाँ क्या आएगा 1, 12 को 2 पे करेंगे 6, 3 पे जाएगा 4, 4 टू ज़ार 8 और वो क्या आएगा माइनस 12 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया दिस इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम ले लेते, इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा 12 3e 4, ये जाएगा 4 × 2 8e³ माइनस 12e प्लस 6e की पावर माइनस 2, और ये हमारे पास आ गया 15 माइनस 3 ओवर 12, क्या है माइनस 3 ओवर 12। तो इसको जब हम लेंगे एलसीएम, और यहाँ पे हम देखें थोड़ी सी एक काम से गलती हो गई, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, 6 में 3 ऐड करें 9, 9 में 8 ऐड करें 17, 17 से 12 जाएगा क्या आएगा 5, वो भी 12 है वो भी 12 है, 1/12 कॉमन ले लें या सारे के नीचे लिख लेते हैं 3e 4 8e³ माइनस 12e 6e माइनस 2 माइनस 5, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब हम चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 14 पे, और 14 के लिए भी बिल्कुल सेम है, उसने हर चीज़ हमें दे दी हुई है। 14 है हमारे पास अवेल्यूएट इंटेग्रल सी वाई डी एक्स जे डी वाई प्लस एक्स डी जी इफ सी इज द ग्राफ एक्स इज इक्वल टू साइन टी y is equal to 2 sin t and z is equal to sin square t, और साथ उसने हमें t की लिमिट भी दे दी हुई है। तो हमने सिर्फ एक करना है कि यहाँ से देखें इट इम्प्लाइज दैट डी एक्स साइन टी का डेरिवेटिव cos t dt, डी वाई 2 sin t 2 cos t dt और डी जी ये sin square है, तो ये आएगा 2 sin t और sin t का डेरिवेटिव cos t और साथ क्या आ जाएगा dt। अब हम लेंगे सो नाउ इंटेग्रल सी y dx z dy x dz दिस इज इक्वल, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल 0 to π/2, पहले सवाल में था 0 से 1, अब ट्रिग्नोमेट्री है 0 से π/2, उसने व्हाट इज y 2 sin t और dx हमने निकाला है cos t dt,
प्लस जी साइन स्क्वायर टी, और डी वाई हमने निकाला है टू कॉस डी डी टी, और फिर है एक्स साइन टी प्लस साइन टी, और एक्स के साथ है डी जी टू साइन टी कॉस डी डी टी। इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा कि दिस इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू टू साइन टी कॉस टी। देखिए ये है टू साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये भी है टू साइन स्क्वायर टी कॉस टी, तो ये क्या बन जाएगा फोर साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और डी टी मैंने बाहर लिख दिया। इसको साइन टू टी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, साइन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन स्क्वायर टी ओवर टू, आ चलो मैं ऐसे ये भी लिख देता हूँ ओवर टू, और ये है साइन का डेरिवेटिव मौजूद है तो साइन क्यूब टी ओवर थ्री, और इधर क्या आएगा ज़ीरो से पाई बाई टू, टू से टू काटते हैं ये आएगा साइन स्क्वायर टी प्लस फोर साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई थ्री, और पाई बाई टू पे साइन वन होता है, ज़ीरो पे साइन ज़ीरो होता है। जब इधर पाई बाई टू पुट करेंगे तो साइन ऑफ पाई बाई टू वन, वन का स्केयर क्या आएगा वन, और वो आएगा वन प्लस फोर बाई थ्री, और जब ये पुट करेंगे ज़ीरो तो वो सारा क्या हो जाएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो ये थ्री वन ज़ार थ्री, ये हमारा आंसर आ गया सेवन बाई थ्री, और बाकी अल्लाह के फजल करम से कल करेंगे।